राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले एक मेनबोर्ड आईपीओ के बारे में, जिस आईपीओ की डिमांड जो है वो थोड़ी सी आई है अभी, तो देखते हैं कि हमें इसके अंदर अप्लाई करना है नहीं करना। कंपनी का नाम है JNK इंडिया लिमिटेड आईपीओ। कंपनी के बिजनेस का, फाइनेंशियल्स का, सब कुछ का ओवरव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी कितनी GMP चल रही है और हमें इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। यहाँ पे आपको मेन बोर्ड और SME IPO के रिव्यू और उनके साथ साथ कॉर्पोरेट एक्शंस की जानकारी भी शेयर कर दी जाती है, ताकि आप स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक चीज से अवेयर रहे। कंपनी की बात करें तो कंपनी का नेम है JNK इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, स्टार्टिंग जो है वो 2010 के अंदर हुआ था। इनका बिजनेस जो है वो डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग करने का है, प्रोसेस फायर हीटर्स का, रिफॉर्मर्स का एंड क्रैकिंग फर्नेसिस का। कंपनी जो है उनका जो प्रोजेक्ट्स है उन्होंने कंप्लीट कर रखे है आंध्र प्रदेश के अंदर, असम के अंदर, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल के अंदर। इन सभी जगह इस कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स को पूरे किया हुआ है, और इसके साथ साथ कंपनी के प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्लोबली भी है, नाइजीरिया एंड मैक्सिको के अंदर ये कंपनियां मेंशन की है। मार्च 2023 तक की बात करें तो कंपनी के इंडिया में 17 क्लाइंट्स है और आउट ऑफ इंडिया जो है वो 7 क्लाइंट्स है। इंडिया में क्लाइंट्स लिस्ट की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, नुमली ग्रह रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये कुछ क्लाइंट्स के नाम है जो इंडिया में है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इन्होंने बताया है कि वो मुंड्रा गुजरात के अंदर है। सो ये इनके बिजनेस का ओवरव्यू हो गया। अब चेक कर लेते हैं फाइनेंशियल्स को। फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट जो है वो 125 करोड़ से 453 करोड़ तक पहुंच गए हैं। दिसंबर 2023 तक एसेट जो है 453 करोड़ के थे, मतलब मोटा मोटा चार गुना हो गए थे। रेवेन्यू की बात करें तो वो पहले थे 138 करोड़ के 2021 फाइनेंशियल ईयर में, वहां से डबल होकर बन गए थे ये 297 करोड़ के। उसके बाद फिर से इसके अंदर 40% की ग्रोथ आई थी और ये बन गए थे 411 करोड़ के। और इस साल के 9 महीने में कंपनी ने 256 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया है। तो पूरे साल के अंदर मोटा मोटा हम कह सकते हैं 350 करोड़ का रेवेन्यू बनने की उम्मीद लग रही है। सो इस साल के अंदर लास्ट ईयर कंपैरिजन में रेवेन्यू के अंदर कमी आई है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अप्रोक्स 15% की कंपनी ने रेवेन्यू में गिरावट शो करी है। प्रॉफिट में भी यही सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। पहले 16 करोड़ का प्रॉफिट बनाया गया था 21 फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद डबल से ऊपर बनाया गया था 22 के अंदर, फिर उसके बाद अप्रॉक्स 40% की ग्रोथ हो गई थी और प्रॉफिट बन गया था 40 करोड़ के आसपास का। और इस साल के 9 महीने में कंपनी ने बनाया 40 करोड़ का प्रॉफिट और पूरे साल के अंदर बन जाएगा ये 60 करोड़ के आसपास का। तो यहां भी जो है प्रॉफिट के अंदर आप कह सकते हैं मोटा मोटा 25% के 30% के आसपास की ग्रोथ लग रही है। रेवेन्यू इस साल डिक्रीज हुए है बट प्रॉफिट जो है वो इस साल के अंदर बढ़े है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व जो है वो अभी उनके पास 158 करोड़ का है और उसके मुकाबले में जो उधारी है वो चल रही है 56 करोड़ की। तो रिजर्व उधारी से 3 गुना है, ये अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल्स में बात करें ओवरऑल तो बिजनेस कंपनी का अच्छा ही लग रहा है। KPI की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 31% चल रहा है, ROCE चल रहा है 34% का, डेट काफी कम है 0.34 का है, ROW रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनकी 31% चल रही है, ये सब अच्छा है। EPS कंपनी की 9.58 की है, काफी अच्छी EPS है। थोड़ा सा इनका PE रेशियो हाई लग रहा है, 43.32 का PE रेशियो है, हल्का सा ये ज्यादा लग रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो। IPO की डिटेल के अंदर, ये IPO जो है वो 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड जो है वो 395 से 415 रुपीज फिक्स कर दिया गया है। हमें अप्लाई करते रहे हमेशा यूज करना होगा 415 रुपीज का, अदरवाइज हमारी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा। अगर आपने कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई नहीं किया है और वो आईपीओ उसके अंदर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर जिन लोगों ने कट ऑफ प्राइस में अप्लाई किया है उन्हीं को ही कंसीडर करके अलॉटमेंट निकलेगा। तो या तो अप्लाई करो ही मत, अगर अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस अप्लाई करना। क्लियर। टोटल इशू का साइज बन जाता है 649.47 करोड़ का, जिसके अंदर 300 करोड़ का फ्रेश इशू है और 349 करोड़ जो है वो OFS का है। ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है इस IPO के अंदर। मैं अभी तक ढूंढ रहा था कि क्या नेगेटिव पॉइंट है, किसके कारण इसकी GMP बहुत कम चल रही है। तो वो रीजन ये है कि इस कंपनी के अंदर मेजर पोर्शन जो है वो OFS का है,
ये माल जाएगा प्रमोटर्स के पास में, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ का। अगर हम इसके अंदर रिजर्वेशन की बात करें तो बिग एचएनआई के लिए इसके अंदर 3105 फ्लोर्स रिजर्व किए गए हैं एप्लीकेशन बेसिकली। स्मॉल एचएनआई के अंदर इसके अंदर 1552 एप्लीकेशंस रिजर्व की गई है, और रिटेल कैटेगरी के अंदर 1,52,000 के आसपास एप्लीकेशन इसके अंदर रिजर्व की गई है, मतलब इतने लोगों का इसके अंदर नाम आने वाला है। अगर आपके पास फैमिली में डिफरेंट पर्सन के डीमैट अकाउंट नहीं है तो अभी अकाउंट ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर बेस्ट फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग मेंशन कर दिए गए हैं। आजकल तो अकाउंट फ्री में खुल जाते हैं यार, और कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है, तो फिर सोचना किस बात का है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया अकाउंट ओपनिंग, फैमिली में कम से कम सभी पर्सन के नेम पे अकाउंट ओपन करके रख लो ताकि जब भी मौका मिले उसके अंदर पार्ट लेकर अप्लाई कर सके। जितने एप्लीकेशन लगाओगे उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आपको ऑफर मिलने के, तो मौके का फायदा लिया करो। टाइम टेबल देख लेते हैं कि 23 अप्रैल को आज ही ओपन हो चुका है, क्लोज हो जाएगा 25 अप्रैल को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा इसका 26 अप्रैल को, रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा 29 अप्रैल को, और शेयर भी आपको 29 अप्रैल को मिल जाएंगे, और लिस्टिंग इसकी होगी 30 अप्रैल को अगले मंगलवार को। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो इसके अंदर तीन कैटेगरी बन जाती है, रिटेल कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। रिटेल कैटेगरी की एप्लीकेशन बन जाती है 14940 से 36 शेयर्स के लिए, वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की एप्लीकेशन बन जाती है 209,160 से 14 लोट्स के लिए, और बिग एचएनआई की एप्लीकेशन बन जाती है 10,980 से 67 लोट्स के लिए। हमें इतनी वैल्यू से अप्लाई करना होता है अपने फंड के अकॉर्डिंग। अब चेक कर लेते हैं इस आईपीओ में अभी कितने जीएमपी चल रहा है और हमें इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। इस आईपीओ के अंदर बाकी सब पॉइंट अच्छे हैं, बस थोड़ा सा इसका पी रेशियो हाई चल रहा है, और सेकंड वन इज इसके अंदर जो ओएफएस का पोर्शन है, ऑफ ऑफ सेल का पोर्शन है, वो थोड़ा ज्यादा रखा गया है, इसके कारण इसकी डिमांड नहीं दिख रही है। अगर इसकी मैं अभी जीएमपी की बात करूं तो वो चल रहे हैं 6% के आसपास, तो अभी के जीएमपी तो कम लग रहे हैं। इस जीएमपी में मैं इसके अंदर अप्लाई करने का फैसला नहीं कर सकता हूं, बट हां अभी इसका फर्स्ट डे है, इसके अंदर आज जीएमपी आए हैं, कल इसके जीएमपी चले थे 0% के आसपास। अगर इसके जीएमपी और बढ़ते हैं तब इसके अंदर हम क्या करना है उसका फैसला कर सकते हैं। कम से कम 15% तक इसके जीएमपी होने चाहिए, अगर इतने जीएमपी होंगे तभी मैं इसके अंदर अप्लाई करने का मन बनाऊंगा। तो अभी इसको वेट एंड वॉच करते हैं। आपको डेली सभी आईपीओ के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन की जानकारी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, आई होप आपने उसको ज्वाइन कर रखा होगा। अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो भी दिक्कत की बात नहीं है, ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, मेरे व्हाट्सएप के भी ग्रुप है, मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि आपको वहां पे सारी अपडेट मिलती रहेगी। सो मैं अपना डिसीजन जो है इसके अंदर 15% जीएमपी होने के बाद ही बनाऊंगा, तब मैं इसके अंदर अप्लाई करने का मन बनाऊंगा, तभी तक मैं इसको अवॉइड करने वाला हूं। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट आपने कर लिया होगा, जिससे मुलाकात हो सके आपसे अगली वीडियो में किसी और आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।